나. 맞춰 봐. 이거야? 아니야, 집고 와요. काम करने की जरूरत ही
क्या है बेटा? क्यों क्यों ना करें मत? काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता, पहचान बनाने के लिए भी किया जाता है। नेहा, तो मुझे देना है, देने के लिए थोड़ा सोचने का वक्त तो दो। भाई की कंपनी ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट सीईओ। एज एन इंटर्न अपने आप को प्रूव करना होगा। जो इसमें जाएंगे हम, जो काफी हर कैरेक्टर की गहराई तक जाएंगे। बस ओके रोल ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सो मिस्टर देव को हम किस रंग में देखेंगे? गुस्से के रंग में? नहीं, एक्चुअली देव में भी हर तरह की शेड्स हैं, बट उसने अपने आप अपने इमोशंस और अपनी भावनाओं को दबा के रखा हुआ है, तो थोड़ा दबा दबा सा घूमता है, लेकिन इमोशंस हैं उसमें भी सारे, और जो सोनाक्षी आकर बाद में उन इमोशंस को बाहर निकालती है। ओके, सो आज का सीक्वेंस, आपकी बहन आपसे कहती है कि मुझे भी काम करना है, सो आपने तो उन्हें ऑफर दे दी, तो क्या कहेंगे इस सीक्वेंस के बारे में? एक भाई हमेशा प्राउड ही फील करता है व्हेन हिज सिस्टर इज डूइंग वेल, तो बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा इमोशन था जब उसके जो सिस्टर है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेती है अपने फाइनल ईयर में और कहती है कि मुझे काम करना है। एक प्राउड मोमेंट है कि वो जॉब ऑफर कर सकता है, वो इस सिचुएशन में है, इस लेवल पे है, और दूसरा ये है कि उसकी बहन उसे ही ज्वाइन करना चाहती है, तो वो बहुत खुश फील कर रहा है। एक अच्छी मोमेंट थी, बट वो ये भी चाहता है एट द सेम टाइम कि वो मेहनत करके आ गया है रादर देन अपने, मतलब मैं उसका भाई हूँ इसके लिए उसको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। ओके, सो देव, आपका कैरेक्टर का नाम है देव, इन रियलिटी आप अपने कैरेक्टर से कितना डिफरेंट हो? खास नहीं, बट यही डिफरेंस है कि देव थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा कम हूँ। देव का चाइल्डहुड थोड़ा रफ रहा है, मेरा चाइल्डहुड माशाल्लाह ठीक रहा है। प्यार तो दिल से होता है, वो फीलिंग ही दिल से निकलती है, दिमाग आप सोच नहीं सकते। यू कैन थिंक और प्लान एंड फॉल फॉर समवन और समथिंग, वो तो अंदर से फील आता है, यू कांट कंट्रोल दैट, यू शुड नॉट कंट्रोल दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।